हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपू मॉमकॉम। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका और आज मैं लेके आई हूं किड्स स्पेशल एक स्नैक की रेसिपी और वो है आलू ब्रेड कटलेट। ये कटलेट बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और घर पर मिले इंग्रेडिएंट से ही ये बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू ब्रेड कटलेट्स। तो वो सबसे पहले यहाँ हम ले लेंगे उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और उसे इस तरीके से हम ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे या फिर इसे ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड करेंगे आधी गाजर, ये मैंने ग्रेट कर ली है, आप चाहें तो फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 3 से 4 चम्मच। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम प्याज, यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया हुआ है। अब इसमें जाएंगे बॉइल मटर, आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज चॉप। अब डालेंगे इसमें हरा पुदीना बारीक कटा हुआ और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब इसमें जाएगा 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। सॉल्ट डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस, आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ ले लिए हैं 3 वाइट ब्रेड, आप चाहें तो उसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इन ब्रेड्स की हमने साइड कट कर दी हैं और इस तरीके से हम हाथ से इसको तोड़कर इस मिक्सचर में मिला देते हैं। अब इस पूरे मिक्सचर को हमें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। अगर आपको यहाँ लगता है कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें 1 या 2 ब्रेड और तोड़कर मिला सकते हैं, जिससे कि एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। जब हम कटलेट बनाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। और आप इसमें अपने पसंद की वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें वेजीज ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपल इसे आलू और ब्रेड यूज करके ही बनाएंगे, तब भी ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये कटलेट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा कटलेट का मिक्सचर हो गया है तैयार। अब हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा पोर्शन हम इस तरीके से हाथ पे उठा लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उत्तर शेप का हमें पेड़ा ले लेना है। और इस तरीके से हाथों को रोल करते हुए एक फ्लैट हमें कटलेट बना लेना है। यहाँ पे कटलेट का शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ओवल शेप के और सिलेंड्रिकल शेप के कटलेट बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे कटलेट्स को हमें तैयार कर लेना है। और अब एक बाउल में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक पतला सा घोल बना लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और एक पतला सा घोल बना लें इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्लरी की। अब एक एक करके इन कटलेट्स को हमें इन स्लरी के अंदर डुबाना है और साथ ही से ब्रेड क्रम से हमें कोट करते जाना है इस तरह से। देखिए, इस तरीके से हमें सारे कटलेट्स को अच्छे से स्लरी के साथ और ब्रेड क्रम के साथ कोट करते जाना है। इस कोटिंग से हमारे ब्रेड कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे कटलेट्स को हमें अच्छे से कोट कर लेना है। और अब हम इन कटलेट्स को डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमें ऑयल जो है मीडियम हॉट ही चाहिए, ज्यादा तेज गरम तेल में हमें इसे नहीं तलेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम हॉट ऑयल में हमें इस तरीके से इसे पलटाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। आप चाहें तो इन कटलेट्स को बनाकर डीप फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको इसे खाना हो तो आप इसे निकाल कर डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कटलेट हो गए हैं तैयार। इस तरीके से हम कटलेट्स को अब टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये कटलेट्स बनके तैयार हुए हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो आप भी इसी तरीके से एक बार ये कटलेट की रेसिपी जरूर से ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।